अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं 5 मंजिला घर बेगेटन लाहौर में। ये लोकेटेड है 2545। इस प्लॉट की डायमेंशन है ये, इसका स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं। 40 फीट रोड पे घर मौजूद है। 100% ये डुअल ब्लॉक है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ग्रे कलर में से रोपवाल किया गया। ये राइट साइड पे ये इसका टेरेस डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। आयरन रोड इसमें यूज़ किया गया। इसके साथ ये कॉर्नर विंडो दी गई। ये फर्स्ट फ्लोर पर इसके बेडरूम की विंडो है। इसके साथ आप देख सकते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन में ये वुडन डिज़ाइन में ये डार्क ब्राउन कलर में टाइल वर्क हुआ है और ये कंप्लीट ग्रे कलर में से रोपवाल किया गया। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई। ये आउटर लॉन दिया गया। प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल है, ग्रास यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ब्लैक कलर में से पेंट किया गया, आयरन रोड में से तैयार किया गया। ये इसके गैराज का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। ये इस घर का कंप्लीट फ्रंट एलिवेशन डिजाइन है। ये इसके गैराज का व्यू है, ये बिल्कुल सामने ये मेन डोर दिया गया। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी वॉल डिजाइन की गई, आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है। यहाँ पे प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये ट्रेवर्टाइन मार्बल और ये ग्रास वर्क हुआ है। फ्रेम शेप में ये वुडन वर्क हुआ है। बड़ा खूबसूरत इसे डिजाइन इसका डिजाइन है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है गैराज का, वुडन वर्क हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। सिंपल और डिसेंट इसका सीलिंग डिजाइन है। ये लेफ्ट साइड पे ये फ्रंट ओपन स्पेस दी गई इसकी। ये बिल्कुल सामने ये वॉल को डिजाइन किया गया, आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ। ये वाटर यूनिट दिया गया। यहाँ पे ये विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज की गई। इसके ड्राइंग रूम की विंडो है। इसके साथ ही ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो है। ये बिल्कुल सामने इसका मेन डोर डिजाइन किया गया। ये लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर है। ये ड्राइंग रूम के डोर से हम एंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसका व्यू है ड्राइंग रूम का। ये बिल्कुल सामने ये लिविंग एरिया है। ये ड्राइंग रूम के फ्रंट मेन वॉल डिजाइन की गया, टाइल वर्क हुआ है इसमें, वॉलपेपर यूज किया गया, फायर प्लेस दी गई, ग्लोव वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है। खूबसूरत सेंटर यहाँ पर इंस्टॉल है। बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिजाइन है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज की गई व्हाइट कलर। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया का व्यू है। ये आपको ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया से सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे कर्टन वगैरह यूज करके। ये इसका लिविंग एरिया। ये ड्राइंग रूम की विंडो दी गई है, ये आप देख सकते हैं। काफी वाइडर स्पेस है इस विंडो की। सेफ्टी के लिए इसमें यूज की गई है। अभी हमने ये विंडो बाहर से विजिट किया, बाहर से ये फ्रंट एलिवेशन में एड हो गई है इस तरह की। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है। ये लिविंग एरिया की फ्रंट वॉल डिजाइन की गई है, आप देख सकते हैं। इसमें आइट लिखी गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें। ये इसकी फ्रंट मेन मीडिया वॉल डिजाइन की गई है, वुडन वर्क हुआ है इसमें। ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। बड़ा खूबसूरत इसका डिजाइन है, ग्रे कलर में इसे डिजाइन किया गया। ये इसका सीलिंग डिजाइन है लिविंग एरिया का, आप देख सकते हैं। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, खूबसूरत शैंडल यहाँ पर इंस्टॉल है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम दिया गया, इसके साथ ही किचन स्पेस है और ये स्टेयर्स दी गई है। ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही है। ये इसका मेन डोर डिजाइन किया गया, ये इसके गैराज की तरफ ओपन हो रहा है। हम इंटर हुए हैं ड्राइंग रूम के डोर से। ये आप देख सकते हैं ग्लास इसमें यूज किया गया। ये वॉल डिजाइन की गई है फ्रेम शेप में। ये नीचे एक बेडरूम दिया गया, इसके साथ किचन स्पेस है। पहले हम इसका बेडरूम विजिट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रही है वेंटिलेशन के लिए। सेफ्टी के लिए इसमें यूज की गई। ये आप देख सकते हैं ये इसके बेडशीट की वॉल डिजाइन की गई है, खूबसूरत इसका डिजाइन है। रोप इसमें वॉलपेपर यूज किया गया है, वुडन वर्क हुआ है, ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है, बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिजाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज की गई। ये इसमें मीडिया वॉल डिजाइन की गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और वुड में ये तैयार की गई है। बड़ा खूबसूरत इसका डिजाइन है। ये इसमें कवर्ड स्पेस दी गई, इसके साथ ये वॉशरूम दिया गया। ये वॉशरूम में आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। कंसील्ड कमोड शावर सेट यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है, बिल्कुल सिंपल। इलेक्ट्रिक मिरर सिंक, ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, लाइट कलर इस घर में यूज किए गए हैं। आइडियल लोकेशन पे ये घर मौजूद है। सॉलिड वर्क हुआ इसमें, ग्रे वर्क और फिनिशिंग A+ कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ बेडरूम के साथ ये किचन का डोर है। ये किचन आप विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर में इसमें कवर्ड शीट यूज की गई है। ग्लास इसमें यूज किया गया, बर्नर वुड यहाँ पे इंस्टॉल है। ये वॉल के साथ कम्प्लीट टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं, खूबसूरत शैंडल यहाँ पे इंस्टॉल है। बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन है। ये विंडो दी गई, एग्जास्ट दिया गया। इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है।
ये इसकी बैक गली का व्यू है, 5 फीट गली दी गई है। वाटर यूनिट दिया गया यहाँ पे। ये बेडरूम की विंडो, अभी हमने बेडरूम से विजिट किया, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। इसके साथ ये ऊपर किचन की विंडो है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये ग्राउंड फ्लोर पे किचन की विंडो है। वेंटिलेशन की इसकी बैक गली की तरफ दी गई है, ये इस तरह आएंगे। ये हम वापस आ गए हम इसके किचन में, आप देख सकते हैं ग्लास यूज किया गया है इसके कवर डोर में, बड़ा खूबसूरत इसका डिजाइन है, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा मार रहा है टाइल का, ये कवर शीट के साथ आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत डिजाइन है इसका। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये अभी हमने किचन विजिट किया, इसके साथ ये बेडरूम है ये हम विजिट कर चुके हैं। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है दूसरी साइड से, ये ड्राइंग रूम एरिया, मैं इस हॉल का आपको व्यू दे देता हूँ। ये ड्राइंग रूम है, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है। नीचे एक बेडरूम दिया गया, किचन दिया गया, ये हम विजिट कर चुके हैं। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टील स्टेयर्स में यूज़ की गई, और स्टेप पे ये जेट ब्लैक एंड नाइट का इस्तेमाल किया गया, और ये स्टेयर स्टेप पे ये लाइट्स दी गई, और ये स्टेयर्स के साथ इस वॉल का व्यू खूबसूरत बनाने के लिए वॉल पेपर यूज़ किया गया। और आप देख सकते हैं फ्रेम शेप में ये पेंटिंग यहाँ पर स्टोर है, वुडन वर्क हुआ है ये स्टेयर्स के साथ बिल्कुल। ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, इसके टेरेस की विंडो है, इसके साथ ये टेरेस का डोर है। ये हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर इसके लिविंग एरिया में, ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत इसकी ये फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये कॉर्नर दिए गए ब्लैक कलर में, 2x2 की टाइल यूज़ की गई है, और इस वॉल में ये मिरर यूज़ किया गया है, वुडन वर्क हुआ है, वॉलपेपर यूज़ किया गया, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये लेफ्ट साइड पर ऊपर आते हैं स्टेयर्स के साथ ये विंडो दी गई है टेरेस की, टेरेस का डोर है, इसके साथ ये बेडरूम का डोर दिया गया। इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम है, और इसके साथ ये राइट साइड पे ये सेकंड बेडरूम दिया गया ऊपर, और इसके साथ ये किचन स्पेस दी गई है। पहले हम इसकी ये राइट साइड विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये स्टेयर से किचन को प्रॉपर सेपरेट किया गया है, ये वुडन वर्क हुआ है, ये इसका डिज़ाइन है, बर्नर यहाँ पर इंस्टॉल है, और ये आप देख सकते हैं ये शीट वर्क हुआ है इसमें कवर्ड में कम्प्लीट, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, और ये कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है वॉल के साथ। सिंक यहाँ पे इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, एग्जास्ट दिया गया, इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है, ये इसका सीलिंग डिजाइन है। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ ये बेडरूम का डोर है, ये हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी ग्लिस में यूज की गई है, इसके बेडशीट की वॉल डिजाइन की गई है, वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज़ की गई है वाइट कलर में। या वेबसाइट बोर्ड के बिल्कुल सामने LED यूनिट दिया गया, ये कवर स्पेस दी गई यहाँ, ये इसमें वॉशरूम दिया गया, ये आप देख सकते हैं वॉशरूम में कम्प्लीट टाइल वर्क हुआ है, कमोड शावर सेट यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक ये टाइल यूज़ की गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, एग्जास्ट दिया गया, ये विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। सिंक मिरर सिंक यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इस बेडरूम का व्यू है कंप्लीट। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये राइट साइड हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं। ये बेडरूम अभी हमने विजिट किया, इसके साथ ये किचन स्पेस है, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। और ये लेफ्ट साइड पे ये स्टेयर्स के साथ ऊपर आते हैं, ये टेरेस का डोर दिया गया, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम का डोर है फर्स्ट फ्लोर पे। पहले हम इसका बेडरूम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, कॉर्नर विंडो दी गई, ये सामने से स्ट्रीट व्यू दे रही है, और ये लेफ्ट साइड से ये टेरेस का व्यू है इस तरह। सेफ्टी ग्रिल्स में यूज़ की गई, ये इसके बेडशीट की मेन वॉल डिज़ाइन की गई, आप देख सकते हैं फ्रेम शेप में वुडन वर्क हुआ, उसके बाद इसे पेंट किया गया, ग्लो वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया, ये मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल यूज़ की गई है, ये वॉशरूम दिया गया, वॉशरूम से पहले आप देख सकते हैं ये कवर्ड स्पेस दी गई है यहाँ पे। सिंक मिरर कमोड शावर सेट यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन होगी। ये इसका कम्प्लीट व्यू है, ये कवर स्पेस दी गई, ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है, ये इसका सीलिंग डिजाइन है,
ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये टेरेस का डोर है, ये अभी हम टेरेस इसका विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके टेरेस पे ये आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है, सिटिंग के लिए बेंच दिए गए हैं और ये प्लांट वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसके टेरेस का डिज़ाइन है, ये इसके टेरेस की विंडो दी गई, ये ऊपर इसकी ममटी का व्यू है, ये इसके टेरेस का डिज़ाइन है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, ये इसके स्टेज का व्यू है, ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया। ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, ये अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये स्टेज के साथ ऊपर आती है लेफ्ट साइड पे ये टेरेस का डोर है, इसके साथ ये बेडरूम दिया गया और ये राइट साइड पर ये किचन स्पेस दी गई है और इसके साथ ये सेकेंड बेडरूम दिया गया। अभी हम इसकी ममटी और छत विजिट कर लेते हैं। आइडियल लोकेशन पे घर मौजूद है, इस ब्लॉक में पार्क मस्जिद इस ब्लॉक में मौजूद है और मेन रोड के नियर टू ये घर है। ये इसकी छत का मेन डोर दिया गया और ये राइट साइड पे है ये सर्वेंट रूम दिया गया, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर सर्वेंट रूम स्पेस दी गई। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, नीचे ग्राउंड पे ये टाइल वर्क हुआ है, ये विंडो दी गई इसमें वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये वॉशरूम दिया गया, एशियन सीट इसमें स्टोर है, ये टाइल वर्क हुआ है इसमें, ये इसमें विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए। ये इसकी छत का डोर दिया गया, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे मार्बल वर्क हुआ है। ये इस ब्लॉक का व्यू है, ये आप देख सकते हैं 100% ये डेवलप ब्लॉक है, कंप्लीट यहाँ पे घर बने हुए हैं और इसकी छत पे आप देख सकते हैं ये मार्बल वर्क हुआ है। आइडियल लोकेशन पे ये घर मौजूद है। ये कमर्शियल इसके बिल्कुल नियर टू है, मेन रोड मस्जिद कमर्शियल इसके बिल्कुल करीब है। जो दोस्त क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें ज़्यादा देर लाफ़।